अब देखो लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला वन अपॉन एफ इक्वल टू वन बाई बी माइनस वन बाई यू होता है, ठीक है। मिरर में प्लस रहता है, लेंस में माइनस। हियर एफ है तुम्हारा फोकल लेंथ, यू है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वी है डिस्टेंस ऑफ इमेज, और होता है एम इक्वल टू साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ओके, उसमें तुम्हारा v बाई यू था, यहां पर माइनस v बाई यू। ये होता है मैग्निफिकेशन, ठीक है। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाई लेंस। फिर क्या था, पावर ऑफ लेंस p इक्वल टू वन बाई एफ, एफ को किसमें रहेगा इन मीटर, यूनिट हो जाएगा डाइऑप्टर, या 100 अपॉन एफ यूज करोगे अगर एफ किसमें है सेंटीमीटर में, और पावर का यूनिट क्या होता है डाइऑप्टर, ठीक है। कॉनकेव लेंस का फोकल लेंस नेगेटिव होगा और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंस पॉजिटिव होगा, बताया था मैं। तो फोकल लेंस पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्या होगा, P इक्वल टू पी वन प्लस पी टू। इसमें अगर एक कोई कॉनकेव लेंस है तो उसके पावर को नेगेटिव पुट करना है। ओके चलो, तो देयर इज वन क्वेश्चन, क्वेश्चन है तुम्हारा अ कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, लेंस कौन सा है कॉनकेव, अ कॉनकेव लेंस हैविंग फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस सो दैट इट फॉर्म एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस। यानी व्हाट शुड बी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट सच दैट इमेज कहां बनेगा 10 सेंटीमीटर में इन फ्रंट ऑफ लेंस। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर, तो व्हाट शुड बी फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव, पॉजिटिव रहेगा कॉनकेव लेंस का। कॉनकेव लेंस तो ऐसा रहता है ना, वो मिरर का होता है पॉजिटिव, इधर फोकल लेंस रहेगा, तो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंस हो गया माइनस 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड करना है, इमेज भी इधर ही बन रहा है, एट डिस्टेंस कितना 10 सेंटीमीटर, तो 10 को क्या लेंगे माइनस 10 की प्लस 10, माइनस 10। चलो लेंस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ u, क्या आएगा माइनस 30 सेंटीमीटर। ओके, बन जाएगा ये 1 अपॉन f इक्वल टू 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू से 1 अपॉन f का वैल्यू माइनस 15, 1 अपॉन माइनस 10 इक्वल टू माइनस
by u. So minus 1 by u equal to minus 1 by 15 plus 1 by 10. सॉल्व करोगे u का वैल्यू माइनस 30 सेंटीमीटर आ रहा है, ओके? थर्टी थ्री जीरो यही आ रहा है ना, माइनस 30 आएगा, माइनस 30 आ रहा है कि नहीं सबका? नहीं नहीं गलत आ रहा होगा, किसका आ रहा है माइनस 30? चलो सॉल्व करके देख लेते हैं उसको। इसका एलसीएम माइनस 15 और 10 का एलसीएम क्या होगा? 30 होगा ना, ओके? अब इधर क्या हो जाएगा, 15 टू जा यानी माइनस 2 प्लस 3 यानी 1 बाई 30 और ये किसका वैल्यू है? माइनस 1 बाई यू का, इधर माइनस है ना, तो यू इक्वल टू माइनस 30 सेंटीमीटर। आया समझ में? अब क्वेश्चन है व्हाट इज द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाई लेंस, मैग्नीफिकेशन कितना होगा? मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला माइनस वी बाई यू माइनस और वी का वैल्यू कितना है, डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या था, माइनस 10 था अपॉन माइनस 30 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 3 एक मिनट ये लेंस है ना, नहीं नहीं इसको करेक्ट कर लेना, लेंस में वी बाई यू होता है, मिरर में माइनस वी बाई यू होता है, ठीक है? हाँ हाँ ये करेक्ट कर लो उसको, प्रीवियस वाला भी। हाँ ठीक है चलो, तो 1/3 आएगा। अब ये बोलेगा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, कैसा है, स्मॉलर की लार्जर, लार्जर देना, नहीं नहीं लार्जर कहाँ है, 1/3 आ रहा है ना, यानी खत्म है क्लास में दे रहा हूं भाई, 1/3 आ रहा है यानी अगर ऑब्जेक्ट का 1/3 यानी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, कैसा है, वर्चुअल इलेक्ट्रिक रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल और इरेक्ट होगा कि रियल एंड इन्वर्टेड होगा? कॉनकेव लेंस में कभी भी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट ही बनता है, पता है कि नहीं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस पढ़े हैं ना, और कैसे पता करोगे, अगर ये माइनस आता है इसका मतलब इन्वर्टेड इमेज, प्लस आता है इसका मतलब इरेक्टेड इमेज, तो इरेक्ट इमेज है, स्मॉलर है, और इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल रहता है, याद रखना। हाँ हाँ तो उससे क्या हुआ, इधर ही तो आ रहा है ना, डायरेक्ट वो क्रॉस करेगा क्या, इमेज देखो, इमेज रे डायग्राम बनाओगे, माइनस में ऑब्जेक्ट आ रहा है इसका मतलब ऑब्जेक्ट भी इधर ही है और इमेज भी इधर है, समझ में आ रहा है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ है, माइनस 30 सेंटीमीटर, चलो ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन ले लिए u इक्वल टू माइनस 30 सेंटीमीटर ए बी, ध्यान से देखो इमेज कहां बन रहा था, 10 सेंटीमीटर, इधर कहीं बनेगा 10 सेंटीमीटर, माइनस 10 कैसे बनेगा इमेज, एक लाइन
ऑप्टिकल सेंटर से विदाउट डेविएशन निकल गया, दूसरा राइट रेडियो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुआ, आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस, ये दोनों यहां पर इंटरसेप्ट कर रहे हैं। तो बताओ तो इमेज क्या हुआ, वर्चुअल इरेक्ट की रियल इन्वर्टेड। हाँ, वो लेंस और मिरर में बहुत कंफ्यूजन होता है, मिरर में ऐसे ही केस में रियल इन्वर्टेड बनता है, समझ में आया। बोलो, कोई डाउट है अनन्या? चलो एक और क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन है फाइंड द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ लेंस विच शुड प्लेस इन कॉन्टेक्ट विथ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। एक मिनट रुको, बहुत लंबा स्टेटमेंट हो गया। सुनो ना, ले रहा हूँ, ग्रीन तो है। अरे नहीं है सर, मेरा तुरंत एकदम ना बैटरी पूरा डाउन है मेरा, यानी आप निकालोगे ना तुरंत गायब हो जाएगा। ठीक है, क्लास के बाद ले लेना आप अभी। 12:30 से है ना, क्या टाइम हुआ? चलो ये क्वेश्चन है, अ कन्वर्जिंग लेंस हैज पावर 8 डाइऑप्टर। थोड़ा पावर का देखते हैं। चलो कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस बोला है, पावर है 8 डाइऑप्टर, इज कंबाइंड विथ डाइवर्जिंग लेंस ऑफ पावर -10 डाइऑप्टर। डाइवर्जिंग लेंस इसका पावर है -10 डाइऑप्टर। ओके, क्वेश्चन है कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। तो जब ये कंबाइन होगा, व्हाट इज द कंबाइंड फोकल लेंथ बना लोगे? पहले तो कंबाइंड पावर निकालो, P=P1+P2। कन्वर्जिंग यानी कॉन्वेक्स लेंस, डाइवर्जिंग यानी कॉनकेव लेंस। ओके, क्या आएगा बताओ? ये तुम्हारा हो गया 8 -10 यानी -2 डाइऑप्टर, ये तो पावर हुआ। फोकल लेंथ निकालना है, फोकल =100/P होता है कि नहीं? जैसे P=100/F था, तो ये हो गया 100/P का वैल्यू -2 यानी -50 सेंटीमीटर या मीटर में -0.5 मीटर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, चलो अब एक थोड़ा सा टफ वाला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है, फाइंड द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ लेंस विच शुड बी प्लेस इन कॉन्टेक्ट विद द लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। देखो यहां पर एक लेंस है, उसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। सेकेंड लेंस का यानी फर्स्ट वाला लेंस का फोकल लेंथ फाइंड करना है। कब फाइंड करना है? कि आफ्टर कॉम्बिनेशन जो पावर है, पावर ऑफ कंबाइंड लेंस इज 5 डाइऑप्टर। यानी एक लेंस है, अब अपने को पता नहीं है कि ये वाला लेंस कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, इसको सेकेंड लेंस के साथ कंबाइन किए,
सेकेंड लेंस का फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो व्हाट शुड बी नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस, कैसे निकालोगे? देखो इधर, सपोज फर्स्ट लेंस का फोकल लेंथ f1 है, तो फर्स्ट लेंस का पावर हो गया p1, ये अपने को पता नहीं है। सेकेंड लेंस का पावर p2 इक्वल टू 100 अपॉन f2, यानी 100 अपॉन 10, यानी 10 डायोप्टर, है कि नहीं? फर्स्ट लेंस का पावर अपने को अननोन है, सेकेंड लेंस का पावर है 10 डायोप्टर। आफ्टर कॉम्बिनेशन p इक्वल टू p1 प्लस p2, जो पावर है वो कितना आया? 5 डायोप्टर। p1 का पावर अपने को पता नहीं है, p2 का पावर है 10 डायोप्टर, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p1? पहले p1 निकालो, कितना होगा? माइनस 5b, माइनस 5b यानी कौन सा लेंस है ये, कॉनकेव की कॉनवेक्स? कॉनकेव लेंस, ओके, ये तुम्हारा हो गया कॉनकेव लेंस। तो व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस? f1 इक्वल टू 100 अपॉन p1, 100 अपॉन माइनस 5, माइनस 20d, ओके, अरे सॉरी, माइनस 20 सेंटीमीटर, आया समझ में? चार्ज करो ना, होगा तो फिर निकाल दूंगा, उधर बैठ के लिखूंगा भाई, और आधा घंटा इसमें को दे दे, मैं फिर ले क्या कर दे, मेरा फिर क्लास है ना 12:30 बजे, 15 मिनट तो दे, 50 तो हो जाए दो, अरे यार मेरा ना एकदम बैटरी ना मरा हुआ है, 10-15 मिनट तो दे भाई, मेरा निकाल लो, मगर फिर डिस्चार्ज हो जाएगा, पता है मैं लैपटॉप से तो पढ़ा रहा हूं, अरे लैपटॉप में रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, हां रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, मैं दे रहा हूं 15 मिनट, लोग ना चार्जर वगैरह लेके नहीं आते हैं, एक मिनट रुको, ठीक है, अरे यार एक बार डिस्टर्ब करने चले गए, ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन बनाओ। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव लेंस, एक ऑब्जेक्ट है, इट इज प्लेस, ये बनाया गया 30 सेंटीमीटर वाला, an object is placed at distance 30 centimeter from concave lens, concave lens से 30 centimeter distance पर object है O, ठीक है, the focal length of concave lens is 15 centimeter, यहां पर ये जो है focal length है ये है 15 centimeter, फाइंड द नेचर एंड पोजिशन ऑफ इमेज, इमेज का पोजिशन फाइंड करना है, नेचर फाइंड करना है और मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, इमेज विल बी फॉर्म एट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, वी का वैल्यू 30 आ रहा है ना,
यू का वैल्यू माइनस 30 लोगे, यू इक्वल टू माइनस 30, एफ इक्वल टू माइनस 15, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी, ये भी माइनस 30, यानी इमेज फॉर्म एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, मैग्निफिकेशन आएगा कितना, वन आ रहा है, वन मीन्स साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यही होगा ना। नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ओके ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया लेंस का, थोड़ा सा आगे कलरफुल वर्ल्ड का पढ़ लेते हैं, ठीक है। ह्यूमन आई तो नहीं है, ओमिटेड है, कलरफुल वर्ल्ड है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ऐसा है ना। किसी से ही पढ़ लो, ठीक है, कुछ नहीं होता उससे। चलो नेक्स्ट आ रहा है कि प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिज्म, कोई देखा है प्रिज्म को, तो प्रिज्म किसका बना होता है, ग्लास का, किसका बना होता है, ग्लास का, ऐसा रहेगा, ऐसा देखोगे ना, ये इस टाइप का शेप रहता है। हाउ मेनी ट्रायंगुलर फेस, टू ट्रायंगुलर फेस, हाउ मेनी रेक्टेंगुलर फेस, थ्री रेक्टेंगुलर फेस। तो प्रिज्म क्या है, प्रिज्म इज अ होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम मेड बाय ग्लास एंड बाउंडेड बाय टू ट्रायंगुलर फेस एंड थ्री रेक्टेंगुलर फेस। ये तुम्हारा हुआ डेफिनेशन ऑफ प्रिज्म। हाँ लिखो, प्रिज्म इज अ होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम मेड बाई ग्लास, प्रिज्म इज अ होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम मेड बाई ग्लास एंड बाउंडेड बाई टू ट्राइंगुलर सरफेस एंड थ्री रेक्टेंगुलर सरफेस। समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है। छूट जाएगा तो मैं इसको YouTube में अपलोड कर दूंगा, उससे एक बार देख लेना, ठीक है। अब देखो जो प्रिज्म है ना, उसमें ये जो एक सरफेस है नीचे वाला, इसको बोलते हैं बेस। वन सरफेस इज कॉल्ड बेस एंड अदर टू सरफेस, यानी ये वाला और ये वाला, इसको बोलेंगे रिफ्रेक्टिंग सरफेस। क्या बोलेंगे, रिफ्रेक्टिंग सरफेस या रिफ्रेक्टिंग फेस। और ये जो रिफ्रेक्टिंग फेस, जहां पर ये मिल रहा है, यहां पर जो एंगल बनेगा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। समझ में आया, यानी एंगल फॉर्म बाय रिफ्रेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। लिख लो यहां पे, एंगल ऑफ प्रिज्म किसको बोलते हैं, एंगल फॉर्म बाय रिफ्रेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। लिख लिए, नोट डाउन कर लिए, एंगल फॉर्म बाय रिफ्रेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये स्ट्रक्चर तुमको एग्जाम में नहीं बनाना है, बस समझने के लिए है। एग्जाम में ऐसा स्ट्रक्चर रहता है,
बुक में भी ऐसे दिया होगा, यानी इसका फ्रंट व्यू बता रहा है, सामने वाला पोर्शन यहां से देखोगे तो ऐसा दिखेगा। इसमें ए बी सी प्रिज्म हो गया, लोअर पोर्शन है बेस, ए बी और ए सी ये है तुम्हारा रिफ्रेक्टिंग सरफेस। क्या है ये रिफ्रेक्टिंग फेस, ये भी तुम्हारा क्या है रिफ्रेक्टिंग फेस, और इधर जो एंगल बन रहा है ये है तुम्हारा एंगल ऑफ प्रिज्म। आया समझ में? क्या चीज? एबीसी इज अ प्रिज्म इन विच बीसी इज बेस, ए बी एंड ए सी इज कॉल्ड रिफ्रेक्टिंग फेस, एंड हियर दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। बताया था ना एंगल फॉर्म बाय रिफ्रेक्टिंग सरफेस। अब ये रिफ्रेक्टिंग सरफेस क्या होता है? रिफ्रेक्टिंग सरफेस यानी इसी दो सरफेस में लाइट का रिफ्रेक्शन होगा, नीचे वाले में नहीं होता है, यानी लाइट यहीं से आएगा, यहां से निकलेगा, यहां से आएगा, यहां से निकलेगा, यानी यहां पर लाइट का रिफ्रेक्शन हो रहा है। रिफ्रेक्शन मीन्स लाइट वन मीडियम से अदर मीडियम में यहीं पर इंटर करेगा, इधर नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं रिफ्रेक्टिंग फेस। आया समझ में? लाइट को कभी से नीचे से कभी नहीं भेजना है। ओके चलो अब देखो यहां नेक्स्ट है तुम्हारा रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। रे डायग्राम बना दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेके तुम लोग बना लेना, पहले समझ लो रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। चलो देखो प्रिज्म से लाइट का रिफ्रेक्शन कैसे होगा ये देखना है अपने को। तो सपोज ए बी सी इज अ प्रिज्म, इसको मैं बाद में और एक्सप्लेन करूंगा। ए बी सी प्रिज्म है, बी सी इज बेस, ए सी एंड ए बी आर रिफ्रेक्टिंग सरफेस, एंड हियर दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। अब यहां पे नॉर्मल ड्रॉप कर लो, नॉर्मल यानी ये 90 डिग्री एंगल यहां पर बनेगा। चलो देखो ये हो गया तुम्हारा एम ओ एंड एन ओ, ये दो नॉर्मल हो गया, एम ओ और एन ओ दोनों को इधर मिला दो, पॉइंट ओ पर मिल रहा है, एक नॉर्मल एम ओ है एक नॉर्मल एन ओ है, यानी यहां पर और यहां पर एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का। समझ में आ रहा है कि नहीं? देख ए बी सी एक प्रिज्म है, ए बी एक रिफ्रेक्टिंग सरफेस हुआ, ए सी दूसरा वाला रिफ्रेक्टिंग सरफेस, एन से एकदम 90 डिग्री बनाते हुए एक लाइन खींच दिए, एन से भी 90 डिग्री बनाते हुए लाइन खींच दिए, दोनों लाइन ओ पर मिल रहा है, तो एक नॉर्मल हुआ एम ओ, सेकेंड नॉर्मल हुआ एन ओ। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ दोनों साइड से ला सकते हैं, मगर रूल के अकॉर्डिंग हमको लाइट इधर से ही भेजना है। पढ़े हैं ना लेंस में मिरर में कि लाइट ऑलवेज इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो जब भी रे डायग्राम बनाओगे रूल को फॉलो करोगे उस रूल के अकॉर्डिंग लाइट को हमेशा लेफ्ट टू राइट ही सेंड करना है। ओके okay?
क्या चीज? पॉइंट एन से वो दोनों नॉर्मल है अभी, ठीक है, नॉर्मल मैं बनाया हूं क्योंकि यहां पर अपने को लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बताना है, इसीलिए पहले ही दो नॉर्मल बता दिया, ठीक है। अब देख लाइट कैसे आएगा, तो एक लाइट सोर्स यहां पर है पी, पी लाइट सोर्स है, पी से एक लाइट रे इंसिडेंट हुआ ऐसे, इसको बोलेंगे पी क्यू को क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये इंसिडेंट रेज हुआ और ये नॉर्मल हुआ, इंसिडेंट रेज नॉर्मल से जो एंगल बनाएगा उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी एंगल आई हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट। समझ में आया कि नहीं? नॉर्मल से जो इंसिडेंट रेज एंगल बनाएगा उसी को बोलते हैं ना एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब देखो पॉइंट क्यू पर जो लाइट रेज है कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रहा है, रेयर से डेंसर की डेंसर से रेयर, रेयर टू डेंसर, क्योंकि इधर एयर है और अपना प्रिज्म किसका बना है, ग्लास का बना है। तो जब लाइट रेज रेयर से डेंसर जाएगा क्या होगा, टुवर्ड द नॉर्मल की अवे फ्रॉम नॉर्मल, टुवर्ड द नॉर्मल, ये नॉर्मल है तो नॉर्मल के साइड डेविएट हो गया, ये बना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। फिर ये इसी पाथ को फॉलो करते करते यहां पर गया पॉइंट क्यू से पॉइंट आर पर, पॉइंट आर पर ये लाइट रेज कहां से कहां जा रहा है, रेयर से डेंसर की डेंसर से रेयर, ये अब ग्लास से बाहर निकल रहा है ना, यानी डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ओके, यानी क्या होगा, डेविएट अवे फ्रॉम नॉर्मल की टुवर्ड द नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी यहां पर एंगल इसको R1 दे दिए, इसको R2 दे दिए, ये एंगल से ये वाला एंगल बड़ा रहेगा, ये हुआ एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल E को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इमर्जेंस, RS को क्या बोलेंगे, RS है इमर्जिंग रे, बाहर निकल रहा है ना इमर्जिंग रे। QR को क्या बोलेंगे, QR है रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि ये रेज का रिफ्रैक्शन हो रहा है। यहां तक आया कि नहीं समझ में? देखो ABC एक प्रिज्म है, एक नॉर्मल MO हो गया, दूसरा नॉर्मल NO हो गया, दोनों पॉइंट O पर मिल रहा है, एक लाइट रे PQ डायरेक्शन में इंसिडेंट हुआ, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बनाया दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब Q पर लाइट इंटर कर रहा है रेयर टू डेंसर, तो उसको ऐसे जाना था बट ये डेविएट हो गया टुवर्ड द नॉर्मल, कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, Q टू R। अब ये R पर इसको ऐसे जाना था बट ये इंटर कर रहा है डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो डेविएट अवे फ्रॉम नॉर्मल एंड फॉलो द पाथ आर एस, तो यहां से बाहर निकला यानी इमर्ज हुआ, इसीलिए इस रेज को बोलेंगे इमर्जिंग रेज। अब ये इमर्जिंग रेज नॉर्मल से जो एंगल बना रहा है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस। कोई डाउट है यहां तक? इमर्जिंग जो बाहर निकल रहा है जो फाइनली ये वाला आर एस, इमर्ज होना यानी बाहर निकलना है,
प्रिज्म से फाइनली जो बाहर निकला कौन सा वाला है, आरएस है, इसी को बोलेंगे एमर्जिंग रे। आया समझ में? हाँ, क्या चीज, कौन सा रेज बोल रहा है? QR को रिफ्रैक्टेड रेज, रिफ्रैक्टेड यानी वो रिफ्रैक्शन हो रहा है वहां पर ना, तो ये इंसिडेंट रेज, रिफ्रैक्टेड रेज एंड एमर्जिंग रेज। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? I एंगल ऑफ इंसिडेंस, E है एंगल ऑफ इमर्जेंस, R1 और R2 को ये तुम्हारा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये है ना एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये क्या हुआ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां तक कोई डाउट है क्या? हाँ, हाँ देख, ये तो क्या हुआ, यहां से लाइट इंसिडेंट हुआ, यहां रिफ्रेक्ट हो रहा है, इसलिए R1 को क्या दिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो तो क्लियर है। R2 में देखो ये कब बनेगा, अगर हम लोग लाइट को उल्टा भेजेंगे तो यहां पर क्या बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ में आया? जैसे अगर लाइट को हम लोग उल्टा भेजते हैं तो लाइट कैसे जाएगा, S से R की तरफ जाएगा, R से Q के तरफ जाएगा, Q से P के तरफ जाएगा, उस केस में यहां पर जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझ में आया? ये कब होगा, जब लाइट को उल्टा भेजेंगे, इसीलिए इसको भी हम लोग R2 नाम दे दिए। और याद रखना एंगल I इक्वल टू एंगल E होता है, जितने एंगल से लाइट इंसिडेंस होगा उतने ही एंगल से बाहर भी निकलेगा। आया समझ में? जैसे वो ग्लास स्लैब में था ना वैसे ही। क्लियर हुआ? तो ये डायग्राम बना लो और इसके सारे रेज को लिख लो, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना, ठीक है, इसको अपलोड कर दूंगा मैं लेक्चर को यूट्यूब में, उसे देख लेना, ठीक है, चलो ओके।